साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी समय है, पहले चरण का मतदान भी हो गया है और बाकी चरणों के लिए यूपी में तैयारी तेज है और ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी चुनावी रणनीति का प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौजूदा विधायक की गलतियां भी गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक भी जमीन पर उतर आए हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो जनता की समस्याओं को मुखरता से उठाते हुए दिख रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ 113 विधानसभा सहसवान बदायूं से डीके भारद्वाज जी जुड़ेंगे, जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं सहसवान विधानसभा से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी विधानसभा में। बहुत बहुत स्वागत है भारद्वाज जी आपका हमारी प्राइम चर्चा में। और जैसा कि देखा जा रहा है चुनावी वक्त है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, उनके समाधान करने के लिए जनता से अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें जिताया जाए ताकि वो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी विधानसभा में कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिनका आप निवारण जीतने के बाद तुरंत करेंगे। मेरी जो विधानसभा है इसमें सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो रहा जी। 55 साल से आज तक यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है जी। पूर्व में जो विधायक रहे समाजवादी पार्टी के और उन विधायकों का जो रवैया है वो बिल्कुल परिवारवादी वाला रहा। उन्होंने जाति विशेष के लिए काम किया जी। और भेदभाव की राजनीति अपनाई, लेकिन दुर्भाग्य यह है मेरे यहाँ गंगा का किनारा है जी। आपको अगर पता हो कि गंगा की कटरी बोलते हैं, गंगा का किनारा है जी। वहाँ पर आज भी ऐसे गांव है जहाँ पे न सड़क है न इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जो विधायक रहे मंत्री रहे उनकी भेदभाव वाली नीति रही। तो मेरा अपनी सोच ये है कि मैं इस क्षेत्र में आने वाले समय में मड़ैया है, बड़ा रमणीक स्थान है, एक तरफ गंगा माँ बहती है, दूसरी तरफ छोटी छोटी कॉटेज टाइप है, अगर हम अंग्रेजी में उनका शब्द यूज करें कॉटेज जी। तो मैं चूंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, देशाटन काफी मेरा मतलब देशाटन में मेरा काफी नियंत्रण है जी। मेरी सोच में रहेगी कि उन झोपड़ियों को उन मड़ियों को इंटरनेशनल टूरिज्म में बदल दू, मैं बदल सकता हूँ। अब तक मैं 47 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करना है और कैसे होगा। यानी गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जो लोग परेशान थे उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ परिवारवाद देखने को मिल रहा है बतायू की इस सीट पर जी। सहसवान में बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। सहसवान में समाजवादी पार्टी हमेशा से तो कहती रही समाजवाद समाजवाद, वास्तविकता ये है ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति की इन्होंने। और बहुत दुर्भाग्य है अगर आप वहां जाके देखेंगे तो कई बार दल भी इतना विचलित और भावुक हो जाता है कि ऐसा रवैया क्यों किया, क्योंकि समाजवादियों ने जो पूर्व में मंत्री भी रहे विधायक भी रहे बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया रहा उनका, एक जाति विशेष को उन्होंने जरूर डेवलप किया है दबंगई के उस पर। और मेरी विधानसभा में दुर्भाग्य ये भी है कि समाजवादियों ने आम गरीबों की जमीनों पर कब्जे करे जी। कब्जे करने के उपरांत उन्होंने जमीनों के कब्जे करे, मुकदमे झूठे लिखवाए। राजनीति का स्तर कितना ज्यादा गिर सकता है ये सहसवान क्षेत्र में समाजवादी जिसे हम परिवारवादी कहते हैं उन्होंने दिखाया है भारद्वाज जी। लेकिन सपा जी, भारद्वाज जी सपा तो कह रही है कि इस बार भाजपा से जनता त्रस्त है, भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, इस बार सपा आएगी 22 में 22 सीटें लाएगी, क्या कहेंगे? देखिए हमने सबका साथ सबका विकास पे काम किया है, नंबर एक जी। हमने राशन दिया तो हर गरीब को दिया, किसान निधि दे रहे हैं तो हर कोई जाति नहीं देख रहे सबको दे रहे हैं, गैस के चूल्हे गैस दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। हमारी नीति है बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी विदिन 100 रह जाएगी और भाजपा 300 प्लस जाएगी, आप देखिएगा जी।
भारद्वाज जी, जब बारिश होती है तो ड्रेनेज की समस्या, विधायक के काम, सभी कुछ देखने को मिलते हैं, सबकी पोल खुलती है, तो जो सड़कों की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, तो इसको कैसे दूर करेंगे, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे जीतने के बाद? देखिए, मैं कई एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास बहुत सारे टीम है जिसमें आर्किटेक्ट है, इंटीरियर, बहुत सारे लोग है जो चैरिटी करना चाहते है। मैं एक ऐसा समूह बनाऊंगा लोगों का, एक तो मैं हर गांव में 10 लोगों का समूह बनाऊंगा जिसमें सभी जाति के लोग होंगे, और वो ये तय करा करेंगे कि विधायक का क्या चीज कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए। अकेला विधायक मैं नहीं रहूंगा, हर गांव में मेरे 10 लोगों की एक टीम रहेगी जो ये निश्चित करेगी कि गांव में कैसे विकास करे, कैसे विकास ना करे। एक समस्या मेरे यहाँ और है, मेरे यहाँ समाजवादी के दबंगई जो गुंडे रहे, उन्होंने कब्जे बहुत किए हुए हैं, उन्होंने और तो और गंगा नदी पे कब्जे कर रखे हैं। गंगा जो हमारी गंगा माँ है, उनकी चीजें धीरे धीरे उसको सुखा के कब्जे कर लिए। तो मैं क्योंकि योगी जी का चेला हूँ, 21 साल से गोरखपुर गोरखनाथ गांव से जुड़ा हुआ हूँ, चुनाव के बाद बुलडोजर चलेगा सहजवान में ये तय है, और गुंडे, गुंडागर्दी बहुत है मेरे सहजवान क्षेत्र में, लोगों ने गुंडागर्दी बहुत करी हुई है, गुंडे विधानसभा को छोड़ के भागेंगे, और अगर नहीं भागे तो कानूनी कार्रवाई करा के बताइए कि जिला जेल में उनका स्वागत सत्कार भी कराऊंगा। ये मेरी बिल्कुल संदेश है उनके लिए। जी भारद्वाज जी, परिवारवाद की राजनीति भी देखने को मिल रही है सहजवान विधानसभा में, और जिस तरह से गुंडे की बात आप कर रहे हैं तो क्या इसका सीधा असर जनता पे पड़ रहा है? वो भी अब बदलाव चाहती है, और जिस तरह से आप बता रहे कि एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, यानी अवैध संपत्ति भी काफी अर्जित कर रखी है। बहुत ज्यादा अवैध संपत्ति ही ज्यादा इन लोगों ने देखी है, जो वर्तमान विधायक है, कोई फैक्ट्रियां तो इनकी चल नहीं रही, लेकिन संपत्ति इतनी अकूत है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं तो आपके माध्यम से सवाल उठाना चाहता हूँ अखिलेश यादव पर भी, अखिलेश यादव की कौन सी फैक्ट्री चल रही है जो इतने हजारों मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए के मालिक है ये लोग, कहाँ से पैसा आ जाता है मुझे पता ही नहीं, जबकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, भारत सरकार को टैक्स देता हूँ, तब मैं पैसे अर्जित बड़ी मुश्किल से करता हूँ। समाजवादी वाले पता नहीं कौन सी फैक्ट्री इन्होंने लगा रखी है, सिर्फ और सिर्फ समाजवाद भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इसके अतिरिक्त समाजवादी कुछ नहीं करते। जिस तरह से सहजवान विधानसभा में परिवारवाद देखने को मिल रहा है, 55 साल से राज कर रहे हैं, और अब आपके लिए इस चुनाव में क्या कुछ चुनौती रहेगी, जनता को कैसे अपने पक्ष में लाएंगे, कैसे इस बार जीत अपनी सुनिश्चित करेंगे, और कौन कौन से काम है जिनको लेके आप आगे चल रहे हैं? देखिए, जनता जो है क्योंकि त्रस्त है, और जनता को मेरे आने के बाद से एक आश्वासन मिल रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये आदमी आ गया है तो हमें गुंडों से भी बचाएगा, ये आदमी हमारी जमीनों पर कब्जे भी नहीं होने देगा, और ये आदमी कुछ ना कुछ अच्छी सोच, ईमानदार सोच के साथ आया हुआ है, इसलिए जनता आप विश्वास करें, आपके पत्रकार लोग भी मेरे क्षेत्र में काफी घूमते हैं, उनसे आप पूछिएगा, जनता इतना समर्थन दे रही है जिसकी मुझे भी आशा नहीं थी, क्योंकि वो गुंडों से त्रस्त है, समाजवादियों से त्रस्त है, सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में, और दूसरे योगी जी की जो योजनाएं चल रही है, किसान निधि है, राशन की योजना है, तो इसका जनता में असर दिख रहा है, जनता बहुत खुश है इस सब चीजों को लेकर, और मेरी अपनी कुछ सोच है, मेरी अपनी प्लानिंग्स है कि मैं जनता का कैसे काम करूंगा, जब मैं जनता के साथ रूबरू हो रहा हूँ तो जनता को ये लग रहा है कि आदमी भी योगी जी के स्टाइल में कुछ ना कुछ हमारे लिए यहाँ पर नया करेगा जी। और मैं तो बहुत एक लंबे विजन, जिसे कहते हैं लंबी सोच के साथ काम करना चाहता हूँ इस क्षेत्र में, और बहुत स्कोप है, बहुत कुछ काम किया जा सकता है, माताओं बहनों के लिए भी कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करी जा, मैं कॉटेज इंडस्ट्री में खुद हूँ, मैं कंसोर्टेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स का उत्तर भारत का चेयरमैन भी हूँ, हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री के छोटे छोटे क्लस्टर बनाते हैं, तो मुझे लगता है सहजवान इज द राइट प्लेस जहाँ पर हम इन सब चीजों को डेवलप करेंगे, और आप अगले 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होगा तब आप देखोगे हाँ कोई योगी जी का चेहरा आया, उसने यहाँ पे विकास किया।
जी भारद्वाज जी, जो आपको इतना प्रेम और समर्थन मिल रहा है जनता से, तो इसके पीछे वजह क्या है? आप भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा की नीतियों को प्यार मिल रहा है, या आपकी जो खुद की नीतियां हैं उनको देखते हुए भी प्यार मिल रहा है? मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अब तक मैं बदायूं जिले में 8664 कन्याओं का कन्यादान ले चुका हूँ। जी दोबारा बोलता हूँ, मैं अब तक 8664 कन्याओं का मैंने कन्यादान लिया हुआ है और 397 स्कूल जो कि विशेष करके आरएसएस के हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, शिशु मंदिर, छोटे छोटे जो स्कूल होते हैं उनको मैंने कंप्यूटराइज करवाया हुआ है। तो जनता मेरी सोच को जानती है। देखिए मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि समाज ने मुझे कुछ दिया तो मैं उसको समाज को सही समय पर वापस कर रहा हूँ। मैं समाज को, समाज ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, दौलत शोहरत सब कुछ दी मुझे। मैं 47 देश घूम चुका हूँ, 6 भाषाओं का ज्ञान भी रखता हूँ अंतर्राष्ट्रीय। तो मुझे जो जनता है ना, अब मेरा मन तो ये है कि बहुत कुछ कर लिया मैंने, जनसेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो जनता को इतना भरोसा है, वो जानते हैं क्योंकि 8664 कन्याओं का कन्यादान, 11,000 कन्याओं का कन्यादान का संकल्प है मेरा जी। और 397 स्कूल कंप्यूटराइज करवाए। और मैं आपको बताऊं, 2 बेटियां हैं मेरे और दोनों बेटियों का कन्यादान कब हो गया मुझे भी अभी नहीं पता, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं जी तो निश्चित रूप से भगवान हमें अच्छा फल भी देते हैं और वो मुझे दिख रहा है। और दिस इज द राइट टाइम कि मैं जनता के बीच में जाके जो कुछ मैंने किया हुआ है सब कुछ समर्पण करूं और जनता को एक नई दिशा दूं जिससे उनकी दशा में परिवर्तन हो, ये मेरी सोच है। भारद्वाज जी, इस वक्त सबसे अहम मुद्दे इस वक्त अगर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं वो है बेरोजगारी और साथ ही सुरक्षा का, महंगाई का, तो इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए जहाँ तक सवाल बेरोजगारी का है, भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है अपनी तरफ से और काफी सुधार आ रहा है इन चीजों में जी। सुरक्षा का मुद्दा है वो तो आपको पता है कि योगी जी का बड़ा सिंपल फार्मूला है, कोई बदमाश या अपराधी है तो वो कहते हैं पहले उसको कि इसको रोको टोको जी, और ना माने तो ठोको। भाई सुरक्षा में आज हमने अपराध पे नियंत्रण कर लिया है, पहले इसी सहजवान क्षेत्र में भैंसे चोरी हो जाती थी, इंजन चोरी हो जाता था, मोटरसाइकिल पे लड़की अपने मायके आती थी और जेवर पहने हुए उसको मोटरसाइकिल ही पूरी गायब कर दी, लड़की को लूट लिया जी। इतना गुंडागर्दी थी सहजवान क्षेत्र में, काफी सुधार आया है योगी सरकार के आने के बाद, काफी सुधार आया है। और जब मैं यहाँ पे एक्टिवेट हो जा, मतलब चुनाव के बाद विधायक बनूंगा, मेरा एक संकल्प और है, जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक संकल्प लिया है कि चुनाव जीतने के बाद हर अपनी विधानसभा के हर गांव में एक दिन रात्रि विश्राम करूंगा जी। उस रात्रि विश्राम में गांव में 10 लोगों की एक कमेटी बनाऊंगा, उसमें बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, जाटक, जाट, धोबी, दाई, कश्यप, मल्ला, मौर्या, सभी जातियों के प्रतिनिधि होंगे और वो 10 लोग ये तय करेंगे कि गांव में क्या डेवलपमेंट कैसे बनाना, उनके साथ बैठूंगा। विधानसभा के हर गांव में एक दिन जाके रात्रि प्रवास करूंगा, ये मेरा उसी तरह से संकल्प है जी। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं संकल्प लेते हैं, बिल्कुल मैंने संकल्प लिया हुआ है, हर गांव में जाऊंगा तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो जनता मुझे समझेगी, मैं जनता को समझूंगा नंबर एक जी। और एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 10 लोगों की जो मेरी टीम होगी वो झूठ नहीं बोलेगी और वही तय करेगी कि विधायक की जो निधि है, विधायक को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस टीम के द्वारा ही मैं एक्टिवेट होगा और अपनी काम करूंगा।
जी भारद्वाज जी, इस बार किसानों का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है। सपा किसानों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, वो चाहे जयंत चौधरी को साथ लाना हो, आरएलडी से गठबंधन हो, या फिर जब तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था तब भी काफी सहयोग दिया गया था सपा द्वारा, तो किसानों का समर्थन सपा की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो क्या ऐसे में आसान होगा किसानों को साथ लेकर चल पाना? और जिस तरह से पश्चिम में सारे बड़े नेता जा रहे हैं और माना जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल चल रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। किसानों को भगाने का काम समाजवादी ने किया। समाजवादी पार्टी हर वो काम करती है जो राष्ट्र विरोधी होता है। समाजवादी पार्टी ने किसानों को भड़काने का काम किया, लेकिन मुझे ध्यान है पिछले महीने जब माननीय मोदी जी मुजफ्फरनगर गए, उस रैली में 3 लाख लोग आए थे। किसानों का समर्थन पूरी तरह से आप देख लेना मोदी सरकार के और योगी सरकार के साथ में है। सपा इस षड्यंत्र में फेल हो चुकी है। सपा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 80% सीटें जीतेंगे समाजवादी। और ये देखिए कहना नहीं चाहिए राजनीति में ऐसी बात, जयंत चौधरी चले हुए कारतूस है, ये इनमें कोई बचा नहीं है। जो आदमी ये लोकदल देखा, एक दौर हुआ करता था, इनके पास इतनी सीटें थी और आज स्थिति हो गई है तो लोकसभा और राज्यसभा में इनका 0 है। ये राजनीतिक भाषा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये चले हुए कारतूस है। समाजवादी इनको दोबारा रिफिल कर रही है, लेकिन वो फिर टाइटा फिर हो चुकी है। लोकदल और समाजवादी पार्टी किसान विरोधी है, कभी भी किसान के पक्ष में ये नहीं रहे। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र ऐसी बातें करना जो मोदी जी राष्ट्रहित में करना चाहते हैं, उसमें अलंगे लगाना इनका काम है। जी भारद्वाज जी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को क्या कुछ सोच समझ कर मतदान करना चाहिए? मैं अपनी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2022 में योगी सरकार बनाइए, उससे अपराधों पर नियंत्रण होगा, गरीबों को मदद मिलेगी, महिलाओं को बहनों को सुरक्षा मिलेगी, आने वाला जीवन। और बिल्कुल आप देखिए 2022 के बाद 2024 होगा, 24 के बाद इस देश में निश्चित रूप से राम राज आएगा। और मेरा देश, मैं ही चाहता हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, एक दिन हिंदू राष्ट्र बने मेरा ये सपना है और उसके लिए मैं भी भगीरथी प्रयास करता हूँ। इस देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जी बिल्कुल, हम आशा करते हैं जो संकल्प लिया है आपने वो पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। आज हमारे साथ प्राइम चर्चा में 113 विधानसभा सहसवान बदायूं से भाजपा प्रत्याशी वीके भारद्वाज जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा यानी कि सहसवान विधानसभा में 55 साल से सपा का शासन है, सपा का राज है और कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जनता जूझ रही है, जिनका समाधान करने के लिए वो इस बार बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी चुने गए हैं और प्रत्याशी के रूप में वो जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में मिलेंगे किसी अन्य प्रत्याशी और मेहमान के साथ और जानेंगे कि उनके क्या कुछ वादे और दावे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।